हेलो डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस एंड करेक्ट यूसेस ऑफ द वर्ब्स वेयर एंड पुट ऑन। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पुट ऑन और वेयर दोनों वर्ब का मतलब पहनना होता है। इन दोनों वर्ब्स का यूज़ हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ करते हैं जिनको हम अपनी बॉडी पर कैरी करते हैं, जैसे वॉच है, मास्क है, शूज़ हैं, ग्लव्स हैं एंड क्लॉथ्स हैं, ठीक है। अब इनका जो करेक्ट यूजेस होते हैं, इनके जो डिफरेंसेस होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, हमें उनको जानने और समझने की जरूरत है, जिससे कि अगर हमें इन वर्ब्स का, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन वर्ब्स, अगर हमें इन वर्ब्स का कभी यूज अपने एवरीडे कम्युनिकेशन में करना पड़े, रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन में करना पड़े, या कभी अगर इन वर्ब्स के डिफरेंस पे बेस्ड कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाएं और समझ पाएं। आइए अब इन वर्ब्स का डिफरेंसेस, इनके एग्जाम्पल्स, इनके यूजेस समझाने से पहले इनका जो बेसिक डिफरेंस है, द मोस्ट फंडामेंटल आप कह लीजिए, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, वेयर इज अ वर्ब विच रेफर्स टू स्टेट, पुट ऑन इज अ वर्ब विच रेफर्स टू एक्टिविटी, एक्शन। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो वर्ब्स होती हैं उनका काम होता है टू रेफर टू सम एक्टिविटी और टू सम स्टेट। एक्टिविटी का मतलब एक्शन। इनमें से वेयर वर्ब स्टेट की वर्ब है और पुट ऑन जो है वर्ब ऑफ एक्शन है। और बेहतर तरीके से आप समझने के लिए मीनिंग ध्यान रख सकते हैं। वेयर मीन्स टू हैव समथिंग, टू हैव सम ऑब्जेक्ट ऑन योर बॉडी। ऑब्जेक्ट मीन्स वेरेबल ऑब्जेक्ट विच कैन बी वॉर्न। Put on means to try to have something, have some object on your body. Some object means some wearable object, जिसको पहना जा सकता है। अब देखिए, ये जो difference है ना, वो यहां पर है, try और have में। इसका मीनिंग है टू हैव सम ऑब्जेक्ट ऑन योर बॉडी और इसका मतलब है टू ट्राई टू हैव सम ऑब्जेक्ट ऑन योर बॉडी। तो आप अपने मीनिंग से भी समझ गए होंगे, ये प्राइमरी वर्ब है, मतलब ये पहले स्टेज की वर्ब है पुट ऑन, उसके बाद की जो स्टेज है उसकी वर्ब है वेयर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई वॉच हो, चाहे शूज हो, चाहे टाई हो या क्लॉथ हो, जब हम उनको ट्राई कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी पे लाने का, तो दैट इज पुटिंग ऑन, वो पुटिंग ऑन है, वो एक्शन, वो एक्टिविटी पुट ऑन है। And when that action is over, when that action is finished, जब वो action finish हो जाता है, जब वो action over हो जाता है, उसके बाद जब वो object हमारी body पर रहता है, तो उस state को, carrying that object on our body, उस state को wear के through express किया जाता है। तो put on first stage है, wear उसकी next stage है। तो put on एक action है और उस action के over हो जाने पर, finish हो जाने पर जो state आती है वो state wear है। आप इसको ऐसे समझिए। अब आइए example से समझते हैं। Here are two pictures, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। पिक्चर ए को डिस्क्राइब करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है, मानव इज पुटिंग ऑन अ व्हाइट शर्ट। पिक्चर बी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है, मानव इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। यहां पर हमने यूज किया पुटिंग ऑन, यहां पर यूज किया वेयरिंग। डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, द एक्शन इज इफेक्टिव। यहां पर जो एक्शन है, ये बच्चा अभी ट्राई कर रहा है शर्ट को पहनने का, तो अभी एक्शन इफेक्टिव है, एक्शन अभी ओवर नहीं हुआ, द एक्शन इज नॉट ओवर येट, द एक्शन इज नॉट डन येट, हेंस पुटिंग ऑन। नाउ द एक्शन इज ओवर, ही इज नॉट ट्राइंग एनीथिंग, ही इज नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, द शर्ट इज ऑन हिज बॉडी। अब शर्ट उसकी बॉडी पे है, तो अब हमने लिख दिया वेयर। तो वेयर जो वर्ब है ये स्टेट को रेफर करती है और पुट ऑन जो है ये एक्टिविटी को रेफर करती है। व्हेन दैट एक्टिविटी ऑफ पुटिंग ऑन इज ओवर, तो वो स्टेट होती है, उसको वेयर के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है जो आपको समझना है। वो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम पुट ऑन वर्ब यूज करते हैं, देन इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक्शन। पुट ऑन गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक्शन, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक्टिविटी, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ट्राइंग। लेकिन जब हम वेयर वर्ब यूज करते हैं, तो वहां पर वेयर जो है ये एक्टिविटी की वर्ब नहीं है, सो इट डजंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू एक्टिविटी, रादर इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट विच समवन हैज ऑन हिज बॉडी। तो ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कि पुट ऑन वर्ब का यूज किया जाता है एक्शन को इंपॉर्टेंस
देने के लिए. वेयर जब हम वर्ब यूज कर लेते हैं तो एक्शन और स्टेट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज इज द ऑब्जेक्ट दैट समवन हैज ऑन हिज बॉडी. तो ऑब्जेक्ट को अगर हमें इंपॉर्टेंस देनी है देन वेयर वर्ब, और एक्टिविटी को जिसके थ्रू उस ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी पर लाया गया है उसको रेफर करना है तो पुट ऑन. आ जाइए और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. हियर आर सम सेंटेंसेस. माई अंकल वेयर्स ब्लैक शूज. माई अंकल पुट्स ऑन ब्लैक शूज. माई अंकल इज वेयरिंग ब्लैक शूज. माई अंकल इज पुटिंग ऑन ब्लैक शूज. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, आर ऑल दीज स्टेटमेंट्स करेक्ट. क्या ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनमें से कोई गलत भी है, ये हमारा टास्क है जो हमें पता करना है. तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ. वेयर इज वेयरिंग, यहाँ पर हमने इस वर्ब को इनडेफिनिट टेंस में यूज किया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया है. अगर हम इस वर्ब को इनडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ जनरल एक्शन, नॉट सम स्पेसिफिक. इट इज अ जनरल एक्शन, अ काइंड ऑफ हैबिट, हैबिट ऑफ माय अंकल दैट ही वेयर्स ब्लैक शूज. कि अंकल जो है वो ब्लैक शूज वेयर करते हैं ऑल टाइम, ऑल द टाइम ही वेयर्स, मतलब जब भी वो पहनते हैं तो ब्लैक शूज ही पहनते हैं एंड नॉट सम अदर कलर ऑफ शूज. चलिए अब मैंने लिखा माय अंकल इज वेयरिंग ब्लैक शूज. इट इज अ स्पेशल सिचुएशन एंड स्पेशल ओकेजन एंड करंटली माय अंकल इज वेयरिंग ब्लैक शूज. इट मींस करंटली राइट नाउ ही इज वेयरिंग ब्लैक शूज एंड एट अदर टाइम्स ही मे और ही माइट वेयर शूज ऑफ सम अदर कलर. तो अगर हम ये लिख रहे हैं माय अंकल इज वेयरिंग ब्लैक शूज तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समय अंकल ने ब्लैक शूज वेयर कर रखे हैं और हो सकता है कि वो बाद में या पहले कोई अदर कलर के शूज भी वेयर करते हों. लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे माय अंकल वेयर्स ब्लैक शूज तो ये एक जनरल स्टेटमेंट बन जाएगा जो अंकल की हैबिट को रेफर करेगा और इसका मतलब ये हो जाएगा कि माय अंकल ऑल द टाइम वेयर्स ब्लैक शूज, कि जब भी वो पहनते हैं वो ब्लैक शूज ही वेयर करते हैं एंड ही डजंट वेयर शूज ऑफ एनी अदर कलर, ऑफ एनी अदर कलर. जो अंडरस्टूड मीनिंग अगर आप अपने आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो देखिए मैं समझा देता हूँ. इफ आई से माय अंकल वेयर्स ब्लैक शूज तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ एंड ही डजंट वेयर रेड ब्राउन एटसेट्रा, और वो रेड ब्राउन वगैरह शूज नहीं पहनते, ही ओनली वेयर्स ब्लैक शूज. सो वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट. माय अंकल इज वेयरिंग ब्लैक शूज बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं. हमेशा नहीं का मतलब इस समय उन्होंने ब्लैक शूज वेयर कर रखे हैं बट वो हमेशा ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर वो हमेशा ऐसा करते तो हम इंडेफिनिट टेंस लिखते. तो ये स्पेशल ओकेजन हो गया, वो जनरल ओकेजन हो गया, वो अंकल की हैबिट हो गई, ये करंट सिचुएशन हो गई, और ये दोनों ही सही है. ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है. दो दे हैव गॉट डिफरेंट मीनिंग्स बट बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की जिनमें पुट ऑन यूज हुआ है. चलिए भाई पुट ऑन के केस में देखिए क्या होगा. हमने लिखा माय अंकल पुट्स ऑन ब्लैक शूज, माय अंकल इज पुटिंग ऑन ब्लैक शूज. अब हमें पता है कि पुट ऑन वर्ब रेफर करती है एक्टिविटी को, एक्शन को. तो अगर कोई पर्सन हमसे पूछे कि व्हाट इज योर अंकल डूइंग राइट नाउ, कि अंकल आपके क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे माय अंकल इज पुटिंग ऑन ब्लैक शूज, वो ब्लैक शूज वेयर कर रहे हैं. सो वी आर नॉट रेफरिंग टू ब्लैक शूज, हम ब्लैक शूज को रेफर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पुट ऑन डज नॉट रेफर टू द ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू द एक्शन. तो अगर हम ये लिख रहे हैं माय अंकल इज पुटिंग ऑन ब्लैक शूज तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. और वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्लैक शूज वेयर कर रहे हैं और पुट ऑन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. तो ये भी सही है. व्हाट इज अंकल एक्चुअली डूइंग, कि अंकल इस समय क्या कर रहे हैं, व्हाट इज बिजी, किस चीज में वो बिजी है करने में, तो ये बताने के लिए मैंने पुटिंग ऑन लिख दिया. अब इसमें आते हैं माय अंकल पुट्स ऑन ब्लैक शूज, कि मेरे अंकल ब्लैक शूज पुट ऑन करते हैं, और हमने इसको जनरल बना दिया. इनडेफिनिट टेंस का मतलब ये जनरल हो गया. बट अगर ये जनरल हो गया तो आपका ये स्टेटमेंट इलॉजिकल हो जाएगा. क्यों इलॉजिकल हो जाएगा? एवरीवन नोज शूज आर ओनली पुट ऑन, कि शूज जो होते हैं वो पुट ऑन ही किए जाते हैं, शूज को खाया नहीं जाता, ठीक है, शूज को अदर कुछ नहीं किया जाता. शूज अ काइंड ऑफ ड्रेस है, हमारे ड्रेस का पार्ट है, तो उनको वेयर ही किया जाता है. अब अगर हम ये लिख देंगे माय अंकल पुट्स ऑन ब्लैक शूज तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंड ही डजंट डू एनीथिंग एल्स. विद शूज अब
अब आप विद शूज लिखिए या ना लिखिए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं माय अंकल पुट्स ऑन ब्लैक शूज, तो इसका मतलब ये हो गया एंड ही डज नॉट डू एनीथिंग एल्स, और वो कुछ नहीं करते, तो ये इलॉजिकल है। हमें पता है ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा वर्ल्ड में जो केवल ऑल द टाइम ही जस्ट कीप्स पुटिंग ऑन ब्लैक शूज एंड डजंट डू एनीथिंग एल्स, की और कुछ नहीं करता होगा ब्लैक शूज पहनने के अलावा, खाना भी खाता होगा, काम पर भी जाता होगा, टीवी भी देखता होगा, बातें भी करता होगा, तो ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है। ठीक, अच्छा अगर हम इसको विद शूज तक कंसीडर कर लें मीनिंग को, ही डज नॉट डू एनीथिंग एल्स विद शूज, की वो शूज का कुछ और नहीं करते केवल उन्हें पहनते हैं, तो ऐसा आपको बताने की क्यों जरूरत पड़ेगी? एवरीवन पुट्स ऑन शूज, हर कोई शूज को पहनता ही है, और कौन ऐसा होगा जो शूज को खा लेता होगा कि शूज को सर के नीचे एज अ पिलो यूज करता होगा? ऐसा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका है ना ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, बट इट डजेंट मेक सम सेंस, इट डजेंट मेक सम लॉजिक, इट डजेंट सीम लॉजिकल एक्चुअली। तो ये जो फोर स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं इनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। तो वेयर और पुट ऑन के ये जो यूसेज हैं आपको ये भी समझने चाहिए, क्योंकि ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। दिस टाइप ऑफ यूसेज आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस। तो ये क्लियर हो गया, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर आर सम ऑप्शंस, हियर आर सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या है कि वेयर और पुट ऑन वर्ब को ऑप्शंस में दिया गया है, और हमें ये डिसाइड करना है कि विच वर्ब शुड बी यूज्ड, कि हमें इनमें से कौन सी वर्ब यूज करनी चाहिए इस सेंटेंस में। वेयर वर्ब की फॉर्म से यूज करनी चाहिए, पुट ऑन वर्ब की फॉर्म से यूज करनी चाहिए, डिफरेंस वही है। वेयर रेफर्स टू द स्टेट, पुट ऑन रेफर्स टू द एक्टिविटी। पुट ऑन एक्टिविटी के एंड होने के बाद में जो स्टेट होती है उसके लिए वेयर का यूज किया जाता है। जब हम वेयर का यूज करते हैं देन वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट समबडी हैज वॉर्न, और जब हम पुट ऑन यूज करते हैं देन वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एक्शन ऑफ पुटिंग समथिंग ऑन। अब देखिए, द मैन वोर पुट ऑन हिज कोट एंड वॉकड आउट, एंड के बाद हमने एक वर्ब लिखी ना वॉकड आउट, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं एक्शंस को एम्फेसाइज करने के लिए लिखा गया। अगर एक्शन को एम्फेसाइज करना है तो ये गलत, ये सही। तो यहां पर आपका ये वर्ब गलत हो गया और पुट ऑन वर्ब सही हो गया। तो इसमें आपको पुट ऑन यूज करना चाहिए, द मैन पुट ऑन हिज कोट एंड वॉकड आउट, मतलब ही डिड दैट एक्शन, उसने अपने कोट को पुट ऑन करने का एक्शन फिनिश किया, और फिर उसका नेक्स्ट एक्शन क्या किया, वॉकआउट कर गया, बाहर चला गया। तो वी हैव टू रेफर टू द एक्शन नॉट टू द ऑब्जेक्ट, हमें कोट को रेफर नहीं करना है, कोट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, द इंपॉर्टेंट इज द एक्शन दैट ही डिड फर्स्ट एंड देन डिड सम अदर एक्शन। तो जब आपको एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी हो देन पुट ऑन। नेक्स्ट, you should wear put on your raincoat, it is raining. Now if it is raining outside it is required that you have something on your body so that you don't get wet. ठीक है, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और बारिश हो रही है तो you must have something on your body जो आपको protect करे rain से। तो यहाँ पर importance हमें किसे देनी है, action को या raincoat को? तो obviously बात है, here we are giving importance to the raincoat, the object is important. So if the object is important not the action, wear, you should wear your raincoat, it is raining. Next, he wears puts on shoes with the help of shoehorn. Shoehorn होता है मतलब क्या मैं आपको बताऊं, spoon like object होता है और उसको हम शू के अंदर रख लेते हैं हील के पास, और जब हम हील को उसमें पुश करते हैं तो मतलब शू जो होता है उसमें हील हमारी इजिली चली जाती है, जो टाइट शूज वगैरह होते हैं उनको पहनने के लिए इसका shoehorn का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने लिखा he wears puts on a shoes, puts on shoes with the help of a shoehorn. अब देखिए यहाँ पर ये जो with the help of a shoehorn हमने लिखा हुआ ना, ये adverb phrase है, ये adverb phrase of manner है. How do we know that it is the adverb phrase of manner? Because it is the reply of how. ये how का reply है. अब अगर ये how का reply है तो adverb phrase of manner हो गई. Adverb phrase of manner किसको refer करेगी, state को या action को? Then obviously बात है कि action को refer करेगी, state को नहीं, क्योंकि manner जो होता है वो action में होता है, states में कोई manner नहीं होता। तो अगर हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अ शू हॉर्न लिख रखा है देन इट मीन्स वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एक्शन, हमें यहाँ पर एक्शन को रेफर करना है, स्टेट को नहीं। अगर एक्शन को रेफर करना है, स्टेट को नहीं रेफर करना है, ही पुट्स ऑन शूज विद द हेल्प ऑफ अ शू हॉर्न। तो इस तरीके से हम वेयर और पुट ऑन वर्ब को डिसाइड करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में पुट ऑन वर्ब यूज होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में वेयर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट देखिए, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। He was wearing putting on a riding pants, high boots and spurs. Now we have to decide which verb should we use. हमें कौन सी verb को use करना चाहिए, wearing or put on? अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा riding pants, high boots and spurs. हमें पता है कि put on refer करता है action को, the action of
हैविंग समथिंग ऑन आवर बॉडी. लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई भी गारमेंट पहन रहे हैं तो एट अ टाइम आप एक ही मतलब चीज़ को पहनने की कोशिश कर सकते हैं, या तो पैंट्स एक बार में पहन लीजिए या बूट्स पहन लीजिए, स्पर्स पहन लीजिए, तीनों तो एक साथ कोई पर्सन पहनने की कोशिश नहीं करेगा. तो इसका मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू द एक्शन, वी आर रेफरिंग टू द फिनिश स्टेट ऑफ हैविंग दिस थिंग्स ऑन वंस बॉडी. हम यहाँ पर किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, इन थिंग्स के राइडिंग पैंट्स हाई बूट्स और स्पर्स को अपनी बॉडी पे होने की स्टेट को रेफर कर रहे हैं, कंप्लीशन की स्टेट को, ना कि एक्शन को. क्योंकि जब एक्शन ओवर हो जाएगा तभी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स उसकी बॉडी पे आएंगे, और तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ में पहनने का एक्शन कोई भी पर्सन नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो जब ये क्लियर हो गया यू डोंट हैव टू रेफर टू द एक्शन, तो पुटिंग ऑन गोज रॉन्ग, वेयरिंग गोज करेक्ट. ठीक है, तो यहां पे हो गया ही वॉज वेयरिंग. नेक्स्ट देखिए, दिस पेयर ऑफ शूज वेयर्स पुट्स ऑन वेल. अब यहां पर एक डिफरेंस आपको और समझना है जो अभी तक मैंने नहीं आपको समझाया, कि पुट ऑन जो वर्ब है दैट इज अ ट्रांसटिव, दैट इज अ ट्रांसटिव वर्ब, वाइल द वर्ब वेयर इज एक्चुअली एन अर्गेटिव वर्ब. ये एक अर्गेटिव वर्ब होती है और हम इसको इंट्रांसटिवली भी यूज कर सकते हैं. अब देखिए यहां पर जो हमने वेल लिखा ना, ये एडवर्ब है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट. अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो पुट ऑन जो कि ट्रांसटिव वर्ब होती है आप नहीं यूज कर पाओगे, वी आर इन ट्रांसटिव वर्ब है, यहां पर यूज जाएगी. सो वेयर इज एन अर्गेटिव वर्ब, यू कैन यूज इट अर्गेटिवली. इस तरीके से भी इन ट्रांसटिवली भी यूज कर सकते हो, पुट ऑन का यूज नहीं हो सकता. ये गलत सही हो गया आपका. दिस पेयर ऑफ शूज वेयर्स वेल, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ये जो पेयर ऑफ शूज है ये अच्छे से आप फिट होता है, अच्छे से मतलब पहनने में कंफर्टेबल है. नेक्स्ट देखिए, ही वॉजंट वेयरिंग पुटिंग ऑन हिज रेनकोट, ही वॉज कैरिंग इट ओवर हिज आर्म. अब हम बता रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसने रेनकोट को अपनी बॉडी के ऊपर के बजाय अपनी आर्म पे कैरी कर रहा था. देन व्हाट आर वी रेफरिंग टू द स्टेट, नॉट टू एक्शन. जो रेनकोट है वो पर्सन अपने आर्म पे कैरी कर रहा है, उसको अपनी बॉडी पे नहीं कर रखा है. ही इज नॉट हैविंग द रेनकोट ऑन हिज बॉडी. तो हम यहाँ पे कैरी किस चीज को स्टेट को रेफर कर रहे हैं, नॉट हैविंग समथिंग ऑन हिज बॉडी. ठीक है, वेयर का मतलब हैविंग समथिंग ऑन बॉडी, नॉट वेयर का मतलब नॉट हैविंग समथिंग ऑन बॉडी. ठीक है, तो वो रेनकोट को अपनी बॉडी के ऊपर कैरी ना करके अपने आर्म पे कैरी कर रहा है. सो वी आर नॉट रेफरिंग टू एक्शन, एक्चुअली वी आर रेफरिंग टू स्टेट विच इज नॉट इफेक्टिव वेयरिंग. तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि किस एग्जाम्पल में वेयर वर्ब का यूज करना है, किस में पुट ऑन का यूज करना है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं. ये हो गया आपका स्टेटमेंट ए, ये स्टेटमेंट बी और ये स्टेटमेंट सी. अभी तक आपको वेयर और पुट ऑन वर्ब से रिलेटेड जो भी समझ में आया, जो भी बताया गया, उसका यूज करके, उसको अच्छे से रिवाइज करके इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है. क्या करना है, यू हैव टू यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब वेयर एंड पुट ऑन. पुट ऑन और वेयर वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स का यूज इन ब्लैंक्स में आपको करना है. दोज नॉट डैश अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग शुड बी फाइंड हैविली. First he dash shoes and then the tie and his sunglasses or glasses. Don't forget dash a mask if you go to the cinema. In blanks में put on wear verb का use करना है. उन verbs की कौन सी form का आप use करोगे, indefinite form, continuous form, perfect form, passive form, active form, वो आप decide कीजिए और अपने answers को comment कीजिए. सो दैट आई गेट टू नो कि जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया, उससे कोई फायदा भी हुआ, ठीक है, या ऐसे ही. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और इनके जो भी आंसर्स आपको सही लगें, ठीक है, उनको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीबडी, कीप लर्निंग, एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश. बाय.